दोस्तों आज का जो वीडियो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जॉब वैकेंसी है दोस्तों एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में निकली हुई है। तो ये जो कंपनी है दोस्तों टेक माइंड्स ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दोस्तों इसका एक प्लांट चेन्नई में है और इसी प्लांट में यहाँ पे दोस्तों अभी वैकेंसी चल रही है। दोस्तों 8 तारीख को, 11 तारीख को और 12 तारीख को यहाँ पे इंटरव्यू चालू है। 8 तारीख को एक ख़त्म हो चुका है, आज 11 है और एक नेक्स्ट 12 तारीख को जो कि कल होने वाला है। तो दोस्तों थोड़ा सा हमें इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा लेट आया, इसके लिए सॉरी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जॉब वैकेंसी के बारे में आप लोगों को सारा कुछ बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों कल ही मैंने एक पोल डाला था कम्युनिटी पोस्ट में, जिसे मैंने लोगों से पूछा था कि आप पुणे के अलावा दूसरे स्टेट में जॉब वैकेंसी देखना चाहते हो कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों का दोस्तों मैक्सिमम लोगों का वहाँ पे वोट आया था कि हम देखना चाहते हैं अदर स्टेट में भी। दोस्तों अब जो वैकेंसी मैं डालूँगा पुणे के अलावा और जगह जो भी वैकेंसी आएगी, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी, जैसे कि आपका हो गया चेन्नई हो गया, कर्नाटका हो गया या फिर गुजरात हो गया। पुणे के बारे में तो मैं रेगुलर बताता ही रहता हूँ वीडियो और बताता भी रहूँगा आगे भी, लेकिन दोस्तों अब मैं चेन्नई, गुजरात या फिर कर्नाटका, इसके अलावा भी और स्टेट में जो भी वैकेंसी निकलेगा हमें इन्फॉर्मेशन आएगा, उसमें मैं आप लोगों को मतलब जॉब वैकेंसी के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि दोस्तों हर लोग का घर पुणे नहीं है, बहुत सारे लोग बंगाल से, बिहार से, यूपी से, एमपी से पुणे आते हैं। तो उसके लिए मैं सोचा क्यों ना आसपास उसको जॉब मिल जाए तो हमें भी बहुत सारी मतलब आसान होगा और आप लोगों को तो आसान होगा ही। तो आज का जो वीडियो है वैकेंसी है दोस्तों, ये टेक माइंड्स ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर है। यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रेनिंग के बेस पे रखा जाएगा और आपको दोस्तों यहाँ पे आपको सैलरी जो देखने को मिलेगा 15,000 पर मंथ देखने को मिलेगा 26 दिन का। और आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों, आपका क्वालिफिकेशन BCA होना चाहिए, MCA होना चाहिए या फिर आपका BSc होना चाहिए, MSc होना चाहिए या फिर आपका BE होना चाहिए या फिर BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से। और दोस्तों आपका कोई भी बैक नहीं होना चाहिए, आप 2020, 2021, 2022 का आप पास आउट हो तब यहाँ आने के लिए आप एलिजिबल हो। और दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी शिफ्ट में दे दिया जाएगा जॉब, आपको नाइट शिफ्ट भी पड़ सकता है, जनरल भी पड़ सकता है, फर्स्ट सेकेंड कोई भी शिफ्ट आपको दे दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो या फिर करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। और दोस्तों आपको यहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर की ट्रेनिंग यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा और दिया जाएगा। और दोस्तों अगर यहाँ पे सालाना पैकेज की बात करें तो आपको 2 से 2.5 लाख के बीच आपको यहाँ पे पैकेज देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पे अभी भर्ती चल रही है, इंटरव्यू स्टार्ट है 8 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को। आज 11 तारीख हो गया, कल 12 है, आज भी इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू का टाइम है दोस्तों दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरव्यू होने वाला है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा कंपनी का एड्रेस दे दूंगा, आप डायरेक्ट कंपनी के गेट पे जा सकते हो, नहीं तो मैं कंपनी का जो HR है उनका मेल ID दे दूंगा या फिर वहाँ का नंबर मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप उसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वहाँ पर आप डायरेक्ट जा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने BTech किया हो या फिर BCA किया हो, MCA किया हो या फिर BSc किया हो, MSc किया हो कंप्यूटर से, तो आप अपना रिज्यूम दोस्तों सेंड करना स्टार्ट कर दो। 1-2 घंटे के बाद आपको वहाँ पे कॉल आ जाएगा। अगर कॉल नहीं आता है रिज्यूम पे दिए गए नंबर पे, तो मैं जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस पे आप कॉल लगा देना, सीधी सी बात। क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत कम है, कल ही 12 तारीख है, पहले से आप कंफर्म कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और दोस्तों ये नंबर आपको मात्र 2 कल तक आपको देखने को मिलेगा। कोई मैं दोस्तों मेल ID या फिर नंबर डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में तो आप लोगों को दोस्तों मात्र 2 से 3 तक देखने को मिलेगा। वैकेंसी खत्म हो जाने के बाद आपको वहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा। वैसे दोस्तों यहाँ पे हवा बहुत ज़ोर से चल रही है, जिसके कारण आप समझ सकते हो, देख रहे हो बैकग्राउंड में कितना हवा तेज़ से चल रही है। तो दोस्तों ये मत समझ लेना कि अब मैं पुणे के जॉब वैकेंसी के बारे में नहीं बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। बस बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा था कि पुणे के अलावा भी जॉब वैकेंसी के बारे में बताओ, तो मैंने एक पोल लगाया था कल, तो बहुत सारे लोगों ने पोल वहाँ पर वोट किया था, तो हमें लगा कि हमें बताना चाहिए और अलग अलग स्टेटों में भी। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दें। तो बाय, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।